नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, हर काम में मिलेगी सफलता, बस खुद पर रखें पूरा भरोसा। यदि किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल काम सौंपा जाता है तो उस काम का परिणाम उसी समय तय हो जाता है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ काम करने को राजी होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जबकि व्यक्ति अगर उस काम से डर जाता है तो सफलता मिलने में संदेह रहता है। किसी भी काम में सफल होने के लिए यहाँ बताई जा रही हैं बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वयं की प्रशंसा ना करें। दूसरा, विपरीत परिस्थिति आए तो भी आत्मविश्वास बनाए रखें। तीसरा, जितना आवश्यक हो उतना ही काम करें। चौथा, अत्यधिक आत्मविश्वास में कोई काम ना करें। पाँचवा, मन में किसी प्रकार की शंका ना रखें। इस प्रसंग से समझे इन बातों का महत्व। रामायण में प्रसंग है कि जब वानर सेना माता सीता को खोज करने गई तब 400 किलोमीटर लंबा समुद्र लांघ कर लंका जाना बड़ी चुनौती थी। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन समुद्र पार करके फिर लौट पाऊँगा, इसमें संदेह है। अंगद ने खुद की क्षमता और प्रतिभा पर संदेह जताया। जाम्बत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। अपनी योग्यता समझते ही हनुमान आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघ कर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर माता सीता को ले आता हूँ। तब जामन ने कहा कि तुम सिर्फ सीता मैया का पता लगाकर लौट आना, प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। हनुमान ने एक ही उड़ान में समुद्र को लांघ लिया। रास्ते में सुरसा और सिंहिका ने रोका भी लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं डोला। इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी काम पर निकलते हैं तो अक्सर मन विचारों से भरा होता है, आशंकाएं, कुशंकाएं और भय भी पीछे पीछे चलते हैं। जब तक हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे हमारे प्रयास कभी 100% नहीं होंगे। इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। स्थायी सफलता के लिए ध्यान रखें ये सूत्र। कुछ लोग सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं लेकिन शॉर्टकट से मिली सफलता ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसीलिए अगर लंबे समय तक सफल रहना है तो शॉर्टकट से बचिए। सफलता स्थायी तभी होती है जब उसे स्वयं संघर्ष करके हासिल किया जाएगा और ये बातें भी ध्यान रखी जाएंगी। पहला, सफलता पाने के लिए गलत तरीका ना अपनाएं। दूसरा, काम में देरी होने पर भी संघर्ष से पीछे ना हटें। तीसरा, उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपकी मदद की। श्री कृष्ण एक ही दिन में जीत सकते थे महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध को अकेले श्री कृष्ण एक ही दिन में जीत सकते थे लेकिन उन्होंने सिर्फ पांडवों का मार्गदर्शन ही किया। वे चाहते तो पांडवों की ओर से कोई सैनिक नहीं मारा जाता और युद्ध जीता जा सकता था। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि आप केवल मुझे सही रास्ता दिखलाइए, युद्ध में अपनी शक्ति से जीतना चाहता हूँ, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। पांडवों ने पूरे युद्ध में खुद कोई अधर्म नहीं किया, कोई नियम नहीं तोड़ा, वे तो बस वही करते गए जो श्री कृष्ण बताते रहे। इसका कारण यह था कि अगर श्री कृष्ण युद्ध जीत कर युधिष्ठिर को राजा बना देते तो पांडव कभी उस सफलता का मूल्य नहीं समझ पाते। सफलता के साथ शांति और संतुष्टि, ये दो भाव होना जरूरी है। अगर हम अशांत और असंतुष्ट हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमने सफलता के लिए कोई शॉर्टकट अपनाया है। शॉर्टकट से मिली सफलता अस्थायी होती है और यही भाव हमारे मन को अशांत करता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।